यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सबसे पहले बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। यूसीसी पर 3 जुलाई को संसदीय कमेटी की बैठक होगी। सुशील मोदी की अध्यक्षता में कल ये मीटिंग होगी। बैठक में लॉ कमीशन को भी बुलाया गया है। मीटिंग में 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर्स शामिल होंगे। सभी की राय मांगी जाएगी यूसीसी पर। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां भोपाल में संबोधन के दौरान पीएम मोदी की तरफ से यूसीसी को लेकर बड़े संकेत दिए गए और उसके बाद से ही देश भर में यूसीसी को लेकर चर्चाएं तेज हैं, चाहे आम जनता के बीच हो या फिर राजनीतिक दलों के बीच हो। कल 3 जुलाई को बैठक होगी महत्वपूर्ण। सुशील मोदी की अध्यक्षता में लॉ कमीशन को भी बैठक में बुलाया गया है। मीटिंग में 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर्स शामिल होंगे। सभी की राय मांगी जाएगी यूसीसी को लेकर। विपक्ष की तरफ से भी बैठकें की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार यूसीसी को लेकर जिस तरह से तैयारियां कर रही है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पेश किया जा सकता है। वहीं उत्तराखंड ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए यूसीसी की रूपरेखा तैयार कर ली है। उत्तराखंड में यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की माने तो जल्द से जल्द उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। उत्तराखंड में जो यूसीसी का मसौदा है, सूत्र क्या कहते हैं ये हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि जो पिछले कई दिनों से हम लगातार पूछ रहे हैं कि आखिरकार यूसीसी से कुछ लोगों को दिक्कत क्यों है, जब सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, सबके लिए कानून अब एक हो रहा है, तो फिर आखिर इसमें तकलीफ क्यों है। जेंडर इक्वालिटी की बात अगर होती है, डिस्क्रिमिनेशन अगर खत्म करने का काम सरकार करेगी, तो फिर आखिर इसमें तकलीफ क्यों हो रही है। हमने देखे उत्तराखंड के हिसाब से उसको बनाया है। उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिवेश है, उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है और दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ उत्तराखंड राज्य है। इसके साथ साथ वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, देवों की कृपा से आच्छादित है, नदियों से। तो हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चूँकि धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का केंद्र है उत्तराखंड, एक तरह से राजधानी है पूरे भारत की, तो उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। उसको लेकर हमने काम किया है, हमारी कमेटी ने भी उसको काम किया है। तो निश्चित रूप से हमारा यह है कि हम उत्तराखंड में इसको जो ड्राफ्ट कमेटी ने बनाया है उसको लागू करने की दिशा में बढ़ेंगे। नेहरू जी के कहने पर जो है अम्बेडकर जी ने ये उसको रखा था यूनिफॉर्म्स सिविल कोड के लिए और कहा है कि सर्वानुमति बनाई जाए, लोगों को सहमत करवाया जाए। तो यदि नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी समूह हैं, जनजाति समूह हैं और बहुत सारे और सामाजिक समूह हैं और कुछ अलग अलग धर्म के लोग भी हैं, कोई एक ही धर्म नहीं है, अलग अलग धर्म के लोग हैं। अभी अकाली नए एसपी जी ने जो शिरोमणि प्रबंधक समिति है उसने सवाल उठाए हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। यदि सर्वानुमति बन जाती है तो कोई हमें बनती है। अब यहाँ कई देश के अंदर कुछ जगह महिलाओं को मंदिर में नहीं जाने देते, कुछ जगह जो है दलितों को, एसटी को नहीं जाने देते। तो यदि सर्वानुमति बन जाती है, कानून बन जाता है, तो क्या दिक्कत। द कमिटी हैज पेनस्टेकिंगली टेकन इनटू अकाउंट ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियंस एंड लुक्ड इनटू द वेरियस स्टैट्यूट्स एंड अनकोडिफाइड लॉज इंक्लूडिंग द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क इन सिलेक्ट कंट्रीज। Besides, the committee has tried to understand the finer nuances of the various customary practices that prevail in different parts of the state. It gives me immense pleasure to inform you that the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee along with the draft code would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. And I can tell you that will be very soon. पहले तो आप बताइए प्रधानमंत्री जी, देश को बताएं कि उनका प्रपोजल क्या है। वो देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज़ पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं, ठीक है ना, एक रूपता चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा, डिबेट कैसे होगी। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे,
क्या लागू करेंगे, अडॉप्शन लागू करेंगे, कस्टम्स ख़त्म कर देंगे, बताएं तो सही, बिना बताए बहस हो रही है और विपक्ष भी उस बहस में पड़ा जा रहा है। किस लिए? जब तक कोई प्रपोजल सामने नहीं आता तब तक बहस की शुरुआत कैसे हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक देश में कानून हो तो बहुत अच्छी बात है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 है, संभवतः उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लाया जा सकता है, क्योंकि जब देश एक है तो उसमें सबके लिए एक सा कानून होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन विडंबना ये है, कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि हमारे संविधान में ये बात साफ तौर से लिखी है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन सारी सियासत और सारे भेदभाव जाति, धर्म, लिंग और भाषा और क्षेत्र के आधार पर हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम एक कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी कोई एक व्यवस्था लागू करते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम होगा। सर, जैसा कि आपने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो ये अच्छा कदम होगा, पर काफ़ी सारे ओपोजिशन लीडर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे जो रिलीजियस फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, कहीं ना कहीं इससे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वॉयलेट होंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 44 में तो ये कहा गया है कि ये बहुत अच्छी बात है इसको लाना, पर फंडामेंटल राइट्स इससे वॉयलेट होंगे, तो क्या उसके लिए भी मतलब इसको लाना चाहिए? देखिए, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं इसकी व्याख्या, मुझे लगता है साफ तौर से इसकी व्याख्या करने का वक्त आ गया है कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं और आपके फंडामेंटल कर्तव्य क्या हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि देश बड़ा है या धर्म बड़ा है। हमें सोचना पड़ेगा कि देश बड़ा है या जाति बड़ी है। हमें सोचना पड़ेगा कि देश बड़ा है या हमारे कस्टम बड़े हैं। हमें सोचना होगा कि देश बड़ा है या हमारे ट्रेडिशन बड़े हैं। हमारे यहाँ भी प्राचीन संस्कृति में हमारे यहाँ जैसे बहुविवाह की प्रथाएं थी तो हमने उसमें परिवर्तन किया। ये बात तो एक सीधे सरल तरीके से कही जा सकती है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, लेकिन उसका प्रारूप क्या होगा, उसका मसौदा क्या होगा, उसमें क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे, ये बात तो सरकार को साफ करनी चाहिए। तो सरकार को ये बताना होगा कि यूसीसी का मसौदा क्या है, यूसीसी का ड्राफ्ट क्या है, क्या विवाह संस्कार, जन्म और मृत्यु के संस्कार जो समाजों में अलग अलग हैं, जो समुदायों में अलग अलग हैं, जो जातियों में अलग अलग हैं, आदिवासियों का अलग कस्टम है ना, कास्टल ट्राइब्स में भी अलग अलग सिस्टम कस्टम्स हैं, पूर्वोत्तर में अलग कस्टम्स हैं, हमारे यहाँ इतनी विविधताएं हैं, उन सब के सोशल कस्टम अलग अलग हैं। तो ये बात सरकार को साफ करनी पड़ेगी कि इस यूसीसी से क्या क्या प्रभावित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में यूसीसी पर बयान दिया। बयान के बाद देश की राजनीति गर्म है, सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करने के मूड में है, विपक्ष के अंदर भी हलचल बहुत ज्यादा तेज है। और इसी बीच कांग्रेस की दिल्ली में समान नागरिक संहिता को लेकर बैठक हुई। बैठक के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि यूसीसी पर कोई नई स्थिति नहीं बनी है। जयराम रमेश ने कहा कि जो 15 दिन पहले पार्टी ने बयान दिया था उस पर ही हम कायम है। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेता मीटिंग में इकट्ठा हुए। बता दें कि 3 जुलाई यानी कि कल संसदीय स्थायी समिति की बैठक भी यूसीसी को लेकर होने जा रही है। पंद्रह जून को हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लॉ कमीशन ने एक नोटिस जारी की थी 14 जून को कि उन्होंने जनता से और विभिन्न संस्थाओं से अपने विचार मांगे थे,
15 तारीख को हमने एक स्टेटमेंट जारी किया था, एक वक्तव्य जारी किया गया था और इस पर चर्चा हुई और 15 जून से आज तक कोई ऐसी नई स्थिति नहीं पैदा हुई है कि हम इस स्टेटमेंट को और आगे ले चले। यानी कि जो हमने 15 जून को कहा था वो उसी पर हम अडिग हैं और जो लॉ कमीशन ने विचार अलग अलग संस्थाओं से अपनी राय मांगी है उस पर जो हमने टिप्पणी की थी वो आपको आपके पास है। मैंने खुद हिंदी में और अंग्रेजी में एक बयान दिया था और आज 1 जुलाई है, पिछले 16 दिनों में ऐसी कोई नई बात नहीं उठी है, कोई मसौदा नहीं है, कोई विधेयक नहीं है, सिर्फ बयानबाजी चल रहा है।